बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया भगवान शिव, आनंद की राशि है हमारी। अब सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल, और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है वेद और माला लेकर स्मरण करती है महाराज, भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली शिव महापुराण की कथा कहती और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोप हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री नित्य स्मरण करने में, भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली है, और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते समय ज्ञात करते हैं कि सावित्री मेरे साथ होने के बाद भी ये सृष्टि की रचना नहीं होती, तब ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रकट कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट